छठ पूजा ऐसी बोलते ना, एकदम सुपर। इंडिया का हाल बुरा है, पांच गए, हो सकता छठा भी चला गया हो, नीचे आते आते बहुत बुरा है। तो ब्लॉग तो मैं आ गई हूँ नीचे से, जैसा कि आपने अभी देखा कि मैं नीचे गई थी और बहुत सारी छठ पूजा की वीडियोस बना के लाई, और मैंने खुद भी अपने लिए सिंदूर उनका वाला लगाया है। मैं अच्छे से तैयार हो जाऊँ, मेरी वीडियो बना दे डांस की एक दो। क्यों मैच के बाद देखो जी, तुम कहते रहते हो कंटेंट कंटेंट, अब देखो ये बना ही नहीं रहा मेरी वीडियो। क्या हवा गई, एक पति ने पत्नी को जान से मारा या आँख फोड़ दी, नाक फोड़ दी, हाथ पैर तोड़ दिए। जब विकेट गिरेगा ना तो आसपास मत रहियो, हाथ पास नहीं जा रहा है, मतलब पता है मुझे, पता कुछ भी हो सकता है, कभी यूं जा रहा है कभी यूं जा रहा है, पड़ जाएगा तेरा मुंह सूजा मिलेगा कल रात। रही थी परेशान पति ने दर्द पहुंचा पति, मैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ना आज मैं कटने वाली हूँ विकेट चला के। वो देखो आपने पकड़े भी नहीं बनाए अभी तक, 42 पक जाए यहाँ से, हमको आते नहीं वरना हम बना लेते। ये लोग मुझे काम पे लगाए रखना चाहते हैं, सुबह से खाना बना दे, या तो मैच देख ले हमारे साथ या पकोड़े बना ले, या पकोड़े बना ले। मैच देख रही हूँ मैं तो, क्या क्या उंगलीबाजी से कर रही है। हमारी टीम आ गई है सीन लेने के लिए, पेंट भाई पहन रही हूँ काली, कोई दिक्कत नहीं। बात करते करते मैं पैंट ही नहीं लूंगा। हाँ क्या ढंग की एक्टिंग कर लेना, कहाँ है एक्सप्रेशन, ऐसा लग रहा था टट्टी आ रही हो। मेरे पता एक्सप्रेशन कैसे निकलते हैं, जब भी एक्टिंग कोई सीरियस सीन आए माथा अपना भी सुकुड़ जा भाई, यहाँ से कौन सा एक्सप्रेशन निकल रहा है, यहाँ से निकाल। ये होता खुद को ही खुद रोस्ट करना भाई। देखो कोई और करेगा, हम पहले कहते थे किसी दिन को यूं कहेगा ना, जैसे कुछ कहते भी भाई तुम्हारे एक्सप्रेशन निकल के नहीं आते। एक्सप्रेशन कहाँ है, तो मैं बोलूंगा अबे तुम माथे पे कंसंट्रेट कर, यहाँ से निकलते एक्सप्रेशन डाले मुझे ना निकलते हमारे। सर्दी में ये पहना दिए, अरे सुनो ये आया मेरा कंपटीशन हम, अरे अभी इंडिया जीतेगी यार मेरा कंपटीशन। एलविश यादव ने बोला है ऑस्ट्रेलिया ने चीटिंग की, अभी मैच खेला होगा। कहाँ से लाया तू ये वाली न्यूज, हौसला कभी मत तोड़ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भाई साहब, आधे लोग तो देख लेंगे सच में क्या क्या, अगर जैसे ये बता रहा है कि अगर ऐसा भी कोई शॉर्ट व्लॉग बना के डाल दो ना, भैया इस मैच में चीटिंग हुई, नरेंद्र मोदी ने है ना इन्वेस्टिगेशन बिठाई है, और अगले दिन फिर दोबारा होगा, आधे लोग तो सर्च कर लेंगे सच में होएगा नहीं होएगा। अरे वहाँ पे शादी है उसमें घुसे, कौन सी वाली शादी में, अरे यहाँ पे पीछे हो रखी थी उसमें। यार तूने पहले क्यों बताया, थोड़ा ढंगे कपड़े, फटे से कपड़े पहन रखे तो, अब चेंज करके चलो। 25 तारीख का नौता, चिंता मत करो, बढ़िया डांस। 25 तारीख का नौता है, किसका है, अगर शादी तो बात मिल गई। अरे ये जो उसकी रेडी है ना, यही इधर ले लो, यहाँ ले लो, हाँ यहाँ ले लो शूट, हाँ कर लो, सही है सही है सही है, यहीं सही है, कहाँ लंदन में जाओ हो। हाँ। शादी से याद आया कि जब हम थे ना कॉलेज में, अच्छा, तो मैं मनीष और एक लड़का और था, भारत भारती करके नाम था उसका, भैया हम ऐसे ही बैठने का प्रोग्राम था पार्टी वार्टी में, तो पार्टी तो होगी लेकिन खाने को कुछ नहीं था, तो वहाँ पड़ोस में एक शादी हो रही थी, पार्टी हो गई और खाने के लिए पार्टी कैसी थी, पार्टी मतलब बैठना था, समझ जा बच्चे, तो वहाँ पे फिर देखा यार भूख सी लग रही, चल सामने कपड़े अच्छे पहन रखे थे, घुस गए वहाँ पे, खाना वाना खाया तो अच्छा म्यूजिक चल रहा था उसमें, तो हम थोड़ा बहुत डांस भी कर लें, थोड़ा पचा भी लें, अब डांस करते करते इतने मगन हो गए कि पूरा फॉर्म में आ गए, लड़के वाले पकड़ पकड़ के नचाए हम तीनों को, कभी एक एक सिस्टर को दूसरे को पकड़ ले, दूसरे पकड़ ले, तीसरे पकड़ ले, ऐसे करते करते अंदर तक लेके नचाते नचाते
वहाँ पे डीजे, फिर हमने थोड़ा फिर खाया वहाँ पे तो डीजे पे फिर देखा दो लड़के आए फिर से पकड़ा भैया और नाचेंगे। हम हैं किसी के साइड से नहीं, ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे जैसे लड़के का भाई मैं ही हूँ भाई साहब। इतना नचाया उसमें, इतना नचाया सारे पैसे वसूल लिए, मतलब खाया तो होगा 200-400 रुपए का लेकिन वसूल लिए उन्होंने। ऐसे निकले गाड़ी में से, अरे भैया केक काट दो, केक काट दिया। गोबर का चौथ पड़ा है वो भी पानी गिरा हुआ, पानी नहीं गिरा हुआ इसमें मुंह में, अश्लील लौंडे हैं, अश्लील मूत्र मूत्र। बॉलीवुड की फिल्म होता है ना, जब हीरोइन को ठंड लगती थी तो हीरो अपनी जैकेट उतार के देता था, आओ प्रिय पहनो। वाकई में ठंड लगती यार स्किन, अरे छीन लेंगे ये, वो पता थोड़ा वो जैकेट सिर्फ इसलिए है अभी हमको वो लेना है टेप। मुझे वैसे ये गोबर देखो गाइस, इसमें गोबर देखो गाइस, गाइस क्या पागल वागल है क्या, गोबर देखो गाइस, ये गोबर देखो गाइस इसमें, अरे सुन तो लो, ये गोबर है गाइस देख लो, किसी ने नहीं देखा तो इसमें मूत मिला हुआ। गाइस कहेंगे हाँ इसीलिए तो ये रिचार्ज कराते हैं, तो अरे गाइस वो गाइस चला जाएगा जूस वाला, चलो अरे चलो 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 एक्टिंग एक्चुअली माथे से बाहर आ गई था। भैया गिलास कितने का दिया? 20 का। गिलास कितने का दिया? ठीक है जूस का गिलास। सर कहाँ खड़े हो, मेरे को नहीं आ रही। अरे तू सुन ले, तेरे को सारी स्कीम पहले बता दूँ। अरे भाई पहले बात तो कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है चल चलते, जूस तो पिला दे। अरे दे नहीं रहा यार ये नाटक कर रहा है, पैसे आएंगे ना एक दे दे उसमें से, तू कर दे ना भाई चल ले। कितने प्यार से बोल रहा है ये, कह रहा चल भाई। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है छठ पूजा का सेकेंड डे और अनन्या ने मुझे नीचे बुलाया। मैंने जबकि अनन्या को बोला था कि मुझे पूजा में लेके चलना है, चलो खैर उनको भी जल्दी थी, मॉर्निंग पूजा थोड़ी जल्दबाजी में होती है उनके ना, मतलब सूर्योदय पे, जस्ट सूर्योदय पे जल देना होता है, तो मैं नहीं जा पाई। अब सार्थक को और रवि जी को दोनों को भेज दे स्कूल एंड ऑफिस, अब मैं जा रही हूँ उसके घर, क्योंकि उसका फ़ोन आया है अनन्या का कि आ जाओ प्रसाद दे देती हूँ और मैं तुम्हारे सिंदूर भी लगा दूंगी। चलो चलते हैं। बस देखो क्यों आप पहनते नहीं हो क्या रेगुलर में? रेगुलर नहीं पहनती हूँ, पहनाना पड़ेगा आपको लग रहा है। अब थोड़ा लेट से ना, मेरे को ना ऐसे साड़ी वाड़ी पहन के करने का मन था पता है। हाँ नेक्स्ट टाइम करूंगी, पर मैं जरूर नेक्स्ट टाइम, पता नहीं यहाँ रहूंगी कि नहीं रहूंगी, पर हाँ करूंगी। तो मुझे ये पूछना था कि ये पूजा, मैं ना एक वीडियो देख रही थी, किसी का व्लॉग देख रही थी कि अगर एक बार शुरू कर दी तो फिर चाहे आप कितने भी बीमार हो, कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होता, करनी होती है। भगवान थोड़ी ना कहता है कि बीमार हो गई पूजा करो, हां मन्नत मांगते हैं, जैसे भाभी ने मन्नत मांगा था कि उनको जैसे बेबी नहीं हो रहे थे, भाभी मन्नत मांगा, हां तो जब ये हुई तो अब ये बड़ी हो गई है तो भाभी नेक्स्ट ईयर, पिछले ईयर से भाभी कर रही है। हां इस उद्यापन होता होगा इसका, जैसे और व्रत का होता है, बोलते हैं ना बैठा देना, बस वो वैसे कर देते। और ये छठी मैया जो है ये वो है नवरात्रि की जो 6 देवी होती है वो है छठी मैया, ये भी मुझे पता, इतना तो मुझे मतलब मैंने रिसर्च कर रही हूँ दो दिन से। ये भी मैं देखी थी ना कि जैसे राम जी और सीता जी ने दोनों ने किया था, सबसे पहले उन्होंने किया था, जब वो वन से लौटे थे ना दिवाली के बाद, हाँ उन्होंने किया था तो फिर उसको मनाया, तब लव कुश हुए थे उसके बाद हुए थे, और राम जी ने भी साथ में किया था सीता मैया के कहने, सीता मैया और फिर उनका सबने साथ दिया था, हाँ पूरी उसने, और ये इतना पता था मुझे बस खाली। और ये मैंने फिर इसके बारे में पूछा छठी मैया, बिहार का, अच्छा आपका यूपी में है, यूपी में कहा? देवरिया।
देवरी। अच्छा हाँ, तो वो उधर टच हो गया ना, आसपास का एरिया हो गया। हाँ, वो आसपास की एरिया। हाँ। तो जैसे हमारे वहाँ जैसे बॉय लोग होते हैं जोड़ा कलसुप, तो जोड़ा कलसुप में ये दो रहेगा। अच्छा, ये दो सूप रहेगा। ये दो सूप रहेगा। भाभी ने इधर तो ऐसी होता है, भाभी एक ही से करती है, तो मन्नत के ऊपर होता है। फिर उसमें भी मन्नत होते हैं कि कोसी भरेंगे, कोसी गोद भरेंगे, कोसी भरते हैं जैसे गले से चारों तरफ लगा के। उन्होंने मतलब साड़ी के अंदर शायद कुछ वो, था वो उनका अलग मन्नत रहा होगा शायद। नहीं, वो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। हाँ, तो इसलिए वो बस साड़ी ऐसी लाते हैं, लोगों ने मतलब स्टिच कोई भी सुई लगे कपड़े वो लोग नहीं पहन सकते जिन्होंने मन्नत मांगी है। बहुत सारे लोग मन्नत मांगते हैं कि मैं मतलब शाम से लेके रात तक पानी में रहूं, पानी। हाँ हाँ, ये भी सुना है मैंने। अब मैंने पूछा, मेरी जो वो आती है काम करने आती है घर पे, मैंने कहा आप तो सुबह से शाम तक पानी में खड़े रहोगे। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सुबह और शाम रहना है बस, खाली पूरा दिन तो आप घर में आप आराम से काम वाम करो, घर का खाना शाम में जैसे बहुत सारे बस भूखे रहना है खाली, जो मन्नत मांगते हैं। अभी हमारे उधर तो 3 दिन का होता है, नहाए खाए। हाँ, ये सब मैंने कल व्लॉग में देखा किसी के में, नहाए खाए में क्या होता है कि बिना नहाए धोए खाना नहीं मिलेगा, और उसी दिन मम्मी लोग खा लेंगे खाना। किचन में जाना होता है, सारी चीजें ना अलग से आती है, अलग से आती है, साफ सुथरा रहता है सब कुछ। घिया और चने की दाल, हाँ ये तो मस्त है। हाँ, और पत्तेदार सब्जियां उसके दिन के बाद नहीं खाते जब तक पूजा नहीं हो जाती है ना। हाँ, दिन मतलब सुबह एक बार अच्छे से खाना खा लेते हैं, घी वो भी घी में बनता है। हाँ, घी में बनता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल जो अभी तेरे साथ हुआ, जब तूने बोला सॉरी जब तूने बोला कि वीडियो करप्ट हो गई, और इससे पता लगा सारी की सारी करप्ट हो गई। भाई साहब, मन कर रहा था या तो अपने घुंड मार दूं या इसके मुंह मार दूं, दैट इज कॉल्ड इमोशनल जज्बाती। बट मैंने क्या किया, मैंने करा ऐसा कुछ, मैंने कहा भाई ब्लूटूथ से हो सकता है, वाईफाई से हो सकता है, ऐसे ट्रांसफर हो सकता है, वैसे ट्रांसफर होता है, कुछ हो रहा है काम, तो दैट इज कॉल्ड स्मार्ट प्ले। मैं ये समझा रहा था कि भैया जज्बाती से काम नहीं चलेगा, स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी।